शुक्रान लेक्टर की चौथी क्लास है और आज आपको लेक्टर में और आगे कुछ प्रूविंग बताई जाएंगी। यदि आप चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए और पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट्स ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये टू टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ए बी सी है। देखिए जरा इसकी प्रूविंग। एलएचएस डिटर्मिनेंट्स ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए वेक्टर फॉर्म में है। तो डिटर्मिनेंट्स से जब वेक्टर्स बाहर आते हैं तो पहला वेक्टर रूल ये है, डिटर्मिनेंट्स ए बी सी जो होता है वो इक्वल होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। यानी पहला वेक्टर बाहर आएगा ब्रैकेट के डॉट के साथ और दूसरा तीसरा क्रॉस के साथ ब्रैकेट में आएगा। अब इसको यहां पे अप्लाई करते हैं। पहला वेक्टर क्या है ए प्लस बी डॉट, दूसरा वेक्टर बी प्लस सी, तीसरा वेक्टर सी प्लस ए। रूल क्या है, पहला वेक्टर बाहर होगा डॉट के साथ, दूसरा तीसरा इनसाइड ब्रैकेट क्रॉस के साथ। वही है यहां भी अप्लाई किया रूल, पहला वेक्टर ए प्लस बी बाहर हुआ डॉट के साथ, दूसरा बी प्लस सी, तीसरा सी प्लस ए क्रॉस के साथ अंदर रहेंगे। तो सोल्यूशन देखो, आउट ऑफ ए प्लस बी डॉट इनसाइड ब्रैकेट क्रॉस ऑफ बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, सी जाएगा बी के साथ बी क्रॉस सी, प्लस सी जाएगा सी के साथ सी क्रॉस सी। पहले लेफ्ट का लेटर लिखते हैं फिर राइट का लेटर लिखते हैं, ओके। अब ए जाएगा बी के साथ बी क्रॉस ए, प्लस वेक्टर ए का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, पहले सी फिर ए, तो सी क्रॉस ए और बीच में प्लस साइन चलते रहेंगे। इस प्रकार बी प्लस सी, सी प्लस ए का क्रॉस यहां पे किया गया। आउट ऑफ ए प्लस बी विद डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट ब्रैकेट बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सेम वेक्टर का क्रॉस जीरो, पिछली क्लास में बताया गया था, प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, ओके। अब डॉट प्रोडक्ट होगा बी क्रॉस सी का ए के साथ, ये थोड़ा लॉन्ग स्टेप होगा इस पर जरा फोकस करिए। बी क्रॉस सी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी का बी के साथ B डॉट बी क्रॉस सी, यहां पे प्लस साइन है। इस प्रकार इसका प्रोडक्ट इन दोनों में हो गया। अब B क्रॉस A कराएंगे, B क्रॉस A A के साथ, तो A डॉट B क्रॉस C, अब B क्रॉस A B के साथ, तो B डॉट ग्रुप ऑफ B क्रॉस C, B क्रॉस A, बीच में प्लस साइन। अब लास्ट वाले को चांस मिलेगा, सी क्रॉस ए जाएगा पहले वेक्टर के साथ ए के साथ, कौन सा प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, तो आएगा ए डॉट ग्रुप ऑफ वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस, अब सी क्रॉस ए का जो ग्रुप है उसका नंबर इस पे लगेगा बी में डॉट के साथ, तो आएगा बी डॉट ग्रुप ऑफ द वेक्टर सी क्रॉस ए। कहने का मतलब है बी क्रॉस सी को ए और बी मिले गए, फिर बी क्रॉस ए को ए और बी मिले गए, ये देखिए, फिर सी क्रॉस ए ए और बी में, सी क्रॉस ए और बी में, कौन से प्रोडक्ट में डॉट, तो आउट ऑफ में डॉट और इनसाइड ब्रैकेट क्रॉस। अभी आपको यहां बताया गया था ब्रैकेट के बाहर डॉट हो, ब्रैकेट के अंदर क्रॉस हो, तो ये बनता है डिटर्मिनेंट्स। ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट्स ए बी सी, ये बनेगा डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स बोले तो समझ जाओ सारणिक की बात हो रही है, सारणिक उसी को डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। डिटर्मिनेंट्स वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर सी, डिटर्मिनेंट्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस डिटर्मिनेंट्स वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस डिटर्मिनेंट्स वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर ए प्लस
डिटरमिनेंट्स वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए। तो लॉन्ग प्रूविंग है, ज्यादा नंबर में इसकी प्रूविंग आती है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। डिटरमिनेंट्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, दो एलिमेंट मैच कर जाएं तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो होती है। तो यहाँ पे वेक्टर बी दो बार है प्लस डिटरमिनेंट्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, यहाँ वेक्टर बी दो बार है जीरो हो गया, यहाँ वेक्टर ए दो जगह है, दो जगह अगर कोई वेक्टर प्रेजेंट है डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो, प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए। तो ये बन गया वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर सी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, बी क्रॉस सी ए के साथ, फिर बी क्रॉस सी बी के साथ, अब बी क्रॉस ए के साथ, तो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए के साथ तो ए डॉट बी क्रॉस ए, फिर बी क्रॉस ए बी के साथ तो बी डॉट बी क्रॉस, बाकी सब ओके, इसी को सही कर लेते हैं। तो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए ठीक है, और डबल वेक्टर ए है तो ये भी वैल्यू कितनी देगा, जीरो देगा, यहाँ पे दो एलिमेंट मैच कर गए। तो अगला स्टेप है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस लास्ट, ये तो सब जीरो छूट जाएंगे, लास्ट में वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, वेक्टर ए के बाद वेक्टर बी को चांस मिलता है, वेक्टर बी के बाद वेक्टर सी को चांस मिलता है, फिर वेक्टर सी के बाद वेक्टर ए को वापस चांस मिलता है, वही करेंगे। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी माइनस, माइनस करने पर दो नेबरहुड वेक्टर चेंज होते हैं, नेबरहुड का मतलब जो बिल्कुल पास पास होते हैं वो अपना स्थान बदलते हैं, ये इसके साथ प्लेस नहीं बदलेगा, ये इसके साथ प्लेस बदलेगा। तो वेक्टर ए यहाँ पे आएगा सी पे और सी जाएगा ए पे, जब दो पास पास के वेक्टर अपना प्लेस बदलते हैं तो बाहर का साइन चेंज होता है, एक बार और बदल देंगे। तो डिटरमिनेंट्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, और इस बार यहाँ पे मिस्टेक है वेक्टर बी, तो आप एज इट इज रहा वेक्टर ए आएगा सी के पास यहाँ और वेक्टर सी जाएगा ए के पास, तो यहाँ पे सी होगा ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, वेक्टर ए की एक्चुअल पोजीशन कहाँ होती है, फर्स्ट प्लेस पे, तो वेक्टर ए को यहाँ कर लेते हैं और वेक्टर बी को यहाँ कर लेते हैं, तो फिर दो पास पास के वेक्टर आपस में प्लेस चेंज करेंगे तो फिर साइन चेंज होगा, तो वेक्टर ए यहाँ वेक्टर बी यहाँ, तो बनेगा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। तो अपनी पोजीशन पे बिल्कुल फिक्स है, उसको तो कुछ भी हिलाना भी नहीं। अब ये जो आपस में फिर दो पास पास के वेक्टर अपना प्लेस बदलेंगे तो फिर एक साइन चेंज होगा, तो फिर वापस माइनस क्या हो गया प्लस। अब जो जो वैल्यू ये है वही ये वैल्यू है, जिस प्रकार x प्लस एक्स टू एक्स होता है ऐसे डिटरमिनेंट्स सेम डिटरमिनेंट्स दो बार है तो टू टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी यहाँ भी है तो ये दो बार लिखा है तो टू इंटू वेक्टर ए बी सी, और यही हमको रिजल्ट लाना था। इस प्रकार ये सोल्यूशन यहाँ पे फिनिश होता है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी समतली है, तो हमें प्रूव करना है कि ये भी समतली, समतली का मतलब होता है कोप्लेनर, यदि ये तीन वेक्टर कोप्लेनर है तब हमें ये तीन वेक्टर भी कोप्लेनर प्रूव करने हैं। तो कोप्लेनर का क्या रूल है, तो कोप्लेनर में क्या होता है, जो डिटरमिनेंट्स फॉर्म होता है वो जीरो होता है, तो लिखेंगे यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी समतली है तो डिटरमिनेंट्स वैल्यू ए बी सी जीरो ओके। अब हमें प्रूव करना है कि ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस बी सी प्लस सी ये भी समतली है, यानी ये भी कोप्लेनर है, चेक करते हैं
इनके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो अगर आ गई तो प्रूव हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए प्लस बी एंड बी प्लस सी एंड सी प्लस ए इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट से बाहर लाने का रूल अभी पिछले क्वेश्चन बताया था, ये आउट ऑफ हो जाएगा डॉट, दूसरा तीसरा क्रॉस में जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। इसका सोल्यूशन देखेंगे, ए प्लस बी डॉट सी का बी में तो बी क्रॉस सी, सी का सी में जीरो, ए का बी में बी क्रॉस ए प्लस ए का सी में तो सी क्रॉस ए, इस प्रकार प्रोडक्ट हो गया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कराना है, तो ए का इन तीनों में कराने के डॉट, तो आएगा ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस ए डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। अब बी डॉट करा लेंगे इससे, तो बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस वेक्टर बी डॉट सी क्रॉस ए। तो पहले ए डॉट हुआ इन तीनों वेक्टर ग्रुप में, फिर बी डॉट हुआ इन तीनों वेक्टर ग्रुप में। अब ब्रैकेट से बाहर डॉट हो, ब्रैकेट के अंदर क्रॉस हो, तो ये तो डिटरमिनेंट बनता है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का डिटरमिनेंट्स प्लस डिटरमिनेंट्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए, यहाँ भी डॉट क्रॉस है, यहाँ भी डॉट क्रॉस है, तो वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर ए प्लस यहाँ भी आएगा वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर सी डॉट क्रॉस, तो वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस डॉट क्रॉस, तो वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। प्लस दो वेक्टर हो गए, दो एलिमेंट मैच कर जाए जीरो, फिर दो एलिमेंट मैच कर गए जीरो, फिर दो एलिमेंट मैच कर गए जीरो, यहाँ वेक्टर बी दो बार मैच कर गया जीरो, फिर इसको माइनस कर लेंगे क्योंकि हमें ए की पोजीशन यहाँ चाहिए, बी की पोजीशन सेकंड में चाहिए और सी की पोजीशन लास्ट में चाहिए, तो एकदम से पोजीशन नहीं बदलते हैं, दो नेबरहुड बदलते हैं यानी दो पड़ोसी वेक्टर, पड़ोसी सदिश जिनको बोलते हैं नेबरहुड वेक्टर। तो ए जाएगा सी के पास और सी जाएगा ए के प्लेस में, ए सी के प्लेस में, सी गया ए के प्लेस में, दो पास पास के वेक्टर अपना प्लेस बदलते हैं, बाहर माइनस आता वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। इसके बाद अगर इसको फिर प्लस करो तो फिर दो वेक्टर की पोजीशन बदलेगी, तो हम ए यहां लाना चाहते हैं बी यहां लाना चाहते हैं, तो इन्हीं दोनों को बदल देते हैं, ए कर लेंगे पहले बी कर लेंगे बाद में, और सी तो अपनी लास्ट पोजीशन में बैठा ही है, फिर ये बन गया टू टाइम्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, क्यों जो ये है वही है, तो सेम एलिमेंट जुड़ के डबल हो जाता है। अब टू और वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी डिटरमिनेंट फॉर्म में है जिसकी वैल्यू जीरो है, क्यों जीरो है क्योंकि डिटरमिनेंट्स ए बी सी इसलिए जीरो है क्योंकि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी संतली है कोप्लेनर है, कोप्लेनर वेक्टर में डिटरमिनेंट जीरो होता है, यही वैल्यू यहां पर रख दी गई, यहां लिख देंगे हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट जीरो हो गया। तो ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए अगर ये जीरो हो गया तो ये तीनों संतली हो गए, इसलिए ए प्लस बी वेक्टर बी प्लस सी कॉमा वेक्टर सी प्लस ए भी समतली है आर को लेना वेक्टर। वेक्टर्स आर को लेना
इस प्रकार क्वेश्चन नंबर टू फिनिश हो गया। ओके मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं, तो दर्शाइए कि सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सदिशों वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के साथ बराबर कोण से झुका हुआ। शब्दों पे जाएं, अर्थ को समझें, तो बात यह है कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। दीज थ्री वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों सदिश आपस में लंबवत हैं और ये प्रूव करना है कि ये जो ग्रुप ऑफ वेक्टर है वो इसके साथ और यही ग्रुप ऑफ वेक्टर इसके साथ और यही ग्रुप ऑफ वेक्टर इसके साथ अलग अलग बराबर एंगल से बेंड है, बराबर कोण से झुका है। कहने का मतलब है ये कह ये हमें प्रूव करना है कि ये तीनों आपस में तो लंब है लेकिन इन तीनों से ये वाला वेक्टर एक जैसा कोण बनाता है, बराबर कोण से झुका है। इसका मतलब सेम एंगल से ये वेक्टर इसके साथ और यही वेक्टर इसके साथ और यही वेक्टर ग्रुप इसके साथ सेम एंगल से इंक्लाइन है। इसको देखें कैसे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दो वेक्टर के बीच का कोण, तो ए व बी के बीच का कोण का फार्मूला थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये कहानी इसको इक्वेशन नंबर एक कह देंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी डिफिकल्ट भी है और इम्पोर्टेंट बहुत है। बोर्ड परीक्षा में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही कम इसको स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं। इसको आप बहुत अच्छे समझिएगा। तो पहले हम इसके मॉड की वैल्यू निकालेंगे और उससे पहले हम एक कंडीशन का यूज करेंगे। गिवन क्या गिवन है, सोल्यूशन है यहाँ से ए बी सी समान परिमाण के। पहली बात ए कामा बी कामा सी का परिमाण यानी मॉडुलस वैल्यू समान है तो इनकी मॉडुलस वैल्यू बराबर होगी, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर सी। और कुछ वैल्यू हम मान लेते हैं कि मान लिया इन तीनों की वैल्यू क्या है, के है। के नहीं पसंद है तो आप स्मॉल एम मान लो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और क्या गिवन है, गिवन ये भी है हमें कि ये भी शर्त ज्ञात है कि परस्पर लंबवत है, यानी ए कॉमा बी कॉमा सी परस्पर लंबवत है तो इनकी डॉट की वैल्यू जीरो होगी। ए डॉट बी के साथ जीरो वैल्यू देगा कॉमा बी डॉट सी ये भी जीरो वैल्यू देगा कॉमा ए डॉट सी ये भी वैल्यू जीरो देगा। वजह क्या है, कारण ये होता है कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो होती है। तो इसमें दिखाया गया, तो इस प्रकार दो इक्वेशन बन गई। अब हमें इसके मॉड की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए क्या होता है, यदि हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर कर दें तो कोई भी वेक्टर का स्क्वायर अपने मॉड स्क्वायर के बराबर होगा। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मॉड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और इसको स्क्वायर से अगर बाहर लिखना है तो किसी भी स्क्वायर वेक्टर को मॉड स्क्वायर तो लिख सकते हैं और साथ में उसको डॉट में दो बार लिख सकते हैं, यानी इसको डॉट में दो बार लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। अब ए का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट ए प्लस इसमें कराएंगे बी डॉट ए प्लस
सी डॉट ए। इसी प्रकार बी से कराएंगे, बी डॉट बी, मिस्टेक हो गई, बी से ए में कराएंगे तो ए डॉट बी, अब बी का बी में, बी डॉट बी प्लस अब बी का सी में तो सी डॉट बी। इसी प्रकार अब सी से करा देंगे तो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस इसमें कराएंगे लास्ट में तो सी डॉट ए। इस प्रकार सबका एक एक बार मल्टीप्लिकेशन हो गया और राइट साइड में चल रहा है मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब जहां पे ए डॉट बी होगा जैसे लिखा है वहां जीरो रखेंगे, अगर इसको पलट के भी लिखा है बी डॉट ए वो भी जीरो ही होगा, बी डॉट सी की वैल्यू जीरो, अगर सी डॉट बी लिखा है तो भी जीरो, ए डॉट सी तो जीरो रखना है, सी डॉट ए लिखा है तो भी जीरो रखना है। ये अगर सेम है तो स्क्वायर बन जाएगा वो भी मॉड के साथ प्लस जीरो, क्योंकि बी डॉट ए डॉट बी सेम होते हैं तो बी डॉट ए वही होगा जो ए डॉट बी है। सी डॉट ए जीरो प्लस ए डॉट बी जीरो प्लस बी डॉट बी सेम है तो स्क्वायर बन जाएगा मॉड के साथ सी डॉट बी जीरो, क्योंकि सी डॉट बी ही बी डॉट सी है, ए डॉट सी जीरो गिवेन है, बी डॉट सी जीरो गिवेन है, सी डॉट ए जीरो यही है और सामने है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मॉड ऑफ ए की वैल्यू एम है, एम स्क्वायर, मॉड ऑफ बी की वैल्यू भी एम है एम स्क्वायर, मॉड ऑफ सी की वैल्यू किस गए ए डॉट सी चेक कर लेते हैं, आप कुछ मिस्टेक लग रही है, ए का सी ए डॉट सी, फिर सी का ए में तो ए डॉट सी, फिर सी का बी में तो बी डॉट सी और सी का सी में सी डॉट सी, वही सी डॉट सी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सी स्क्वायर। मॉड ऑफ सी की वैल्यू भी कितनी है एम, यहाँ पे एम स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा थ्री एम स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर आएंगे तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई एम रूट सी, रूट में जाएगा इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर हट गया और ये रूट में चला जाएगा, स्क्वायर नहीं इसके पास, इक्वेशन नंबर थ्री। अब एक बार हम क्या करेंगे इसके और ए के बीच एंगल निकालेंगे, तो माना तो लिखेंगे ए ए वन ए प्लस बी प्लस सी के बीच का कोण, ये एंगल पड़ेगी तो लिखेंगे माना कोण थीटा वन है, तो इस फार्मूले के ले लेते हैं तो थीटा वन इज इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या होता है ए डॉट बी, यानी दो वेक्टर का डॉट, कौन से दो वेक्टर जिनके बीच कोण निकल रहा है, इनके बीच ए और ए प्लस बी प्लस सी, तो कर लेते हैं डॉट ए डॉट, पहला है ए और दूसरा ए प्लस बी प्लस सी, फिर इन्हीं का क्या लेते हैं, पहले उन्हीं का डॉट लेते हैं फिर उन्हीं का मॉड ले लेते हैं, इसका मॉड और इसका भी मॉड ए प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार थीटा वन क्या बना कॉस इनवर्स ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, फिर इसकी वैल्यू तो पहले मान ली थी हम लोगों ने, मॉड ऑफ ए की वैल्यू एम है, मॉड ऑफ बी की भी एम है, मॉड ऑफ सी की भी एम, तो मॉड ऑफ ए एम, और इसको तो सॉल्व करके निकाल लिया था मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू एम रूट सी, थीटा वन कॉस इनवर्स ए डॉट डी क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर
ए डॉट बी जीरो है, ए डॉट सी जीरो है, कैसे यहां से ए डॉट बी जीरो है, ए डॉट सी जीरो। इक्वेशन वन और टू का घूम फिर कर इस्तेमाल होता रहेगा, इसके लिए थोड़ा सतर्क रहिएगा। एम एम रूट थ्री, ये बना कॉस इनवर्स। अब इसकी वैल्यू मॉड ऑफ ए की वैल्यू स्टार्टिंग में थी एम, एम स्क्वायर और नीचे एम स्क्वायर रूट थ्री कैंसिल हो गया। यहां से थीटा वन की वैल्यू क्या आ गई, कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री। इसी प्रकार अभी a प्लस बी प्लस सी और a के बीच का एंगल निकाला, अब a प्लस बी प्लस सी और b के बीच का एंगल निकालेंगे। तो लिखेंगे वेक्टर b a वन a प्लस बी प्लस सी के बीच का कोण। वही बात है, उस बार क्या माना था थीटा वन, इस बार मानेंगे थीटा टू। तो माना कोण क्या है, थीटा टू है। तो वेक्टर कौन कौन है, बी और ए प्लस बी प्लस सी, इसका भी आपको एंगल सिखा रहे हैं, ठीक है। 10 सेकेंड। यही सब लेंगे, उस बार ए और ए प्लस बी प्लस सी था, इस बार बी और ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब ए का स्थान कौन ले लेगा, बी ले लेगा। तो यही से देखो फार्मूला, थीटा बराबर कॉस इनवर्स क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, ठीक है। तो अपना एंगल कितना है थीटा टू, तो थीटा टू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए का मतलब पहला वेक्टर जो कि है वेक्टर बी डॉट, बी का मतलब दूसरा वेक्टर, तो यहां से यहां तक है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, फिर डिवाइड पहले वाले का मॉड, क्या है पहला वेक्टर बी इसका मॉड, फिर बी का मॉड यानी दूसरे वेक्टर का इसका मॉड, ए प्लस बी प्लस सी। तो थीटा टू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स डॉट प्रोडक्ट बी डॉट ए, बी डॉट ए प्लस बी का बी में बी डॉट बी, बी का सी में आएगा बी डॉट सी। इसकी वैल्यू गिवन थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एम, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी एम रूट थ्री। थीटा टू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी इक्वेशन सेकेंड में था, b डॉट b तो मॉड ऑफ b स्क्वायर बनता है, सेम वेक्टर का डॉट मॉड ऑफ स्क्वायर बनता है, ये तो जीरो गिवन था स्टार्टिंग में ही, इसका इसमें m स्क्वायर रूट थ्री, ये बनेगा cos इनवर्स वेक्टर b का मॉड m था, m माना था m स्क्वायर डिवाइड m स्क्वायर रूट थ्री। थीटा टू इज इक्वल टू cos इनवर्स m स्क्वायर कैंसिल वन अपॉन रूट थ्री। देखा आपने वेक्टर ए और ए प्लस बी प्लस सी के साथ कॉस इनवर्स वन बाय रूट थ्री, और वेक्टर बी और ए प्लस बी प्लस सी के बीच का भी एंगल कितना है कॉस इनवर्स। लिखेंगे इसी प्रकार वेक्टर सी एवं ए प्लस बी प्लस सी के बीच यदि एंगल यानी कोण थीटा थ्री है तो वो भी इतना ही होगा, थीटा थ्री इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाई रूट थ्री। देन अतः थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू इज इक्वल टू थीटा थ्री, तीनों की वैल्यू क्या आई, तीनों की वैल्यू आई कॉस इनवर्स वन बाई रूट थ्री। प्रूव हो गया कि अतः वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी से ए प्लस बी बराबर कोण बनाता है, बराबर
तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। तो आगे भी और भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे और सीक्वेंशियल वे में सभी वीडियो आपको दिखाए जाएंगे और सभी अच्छे से अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया जाएगा। यदि आप उनको कैरी ऑन करना चाहते हो, सीखना चाहते हो और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों को भी चाहते हो कि वो लोग भी सीख के आगे बढ़ें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को और जितने भी अपने कंपेनियन हैं, जो भी अपने फैमिली मेम्बर हैं, उनको भी आप सिखाना चाहते हो तो उनको शेयर करें और उनसे भी आप अच्छे से अच्छे इन चीज़ों को डिस्कशन करें। और कोई क्वेश्चन अपनी तरफ से अगर आपको डिस्कशन करना है तो उसको मैसेज में सेंड करें, उसका वीडियो आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, ओके।